टोटल प्रिपरेशन जानकीपुरम लखनऊ के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हम लेकर आए हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रोग्राम, जिसमें हम सप्ताह की प्रमुख समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो में हम 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक के प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व वन्यजीव कोष इंडिया ने अपने कार्यक्रम का एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका सही उत्तर है विश्वनाथन आनंद। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को विश्व वन्यजीव कोष यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर नियुक्त किया है। WWF इंडिया की शुरुआत वर्ष 1976 में हुई थी। WWF इंडिया ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे किए हैं। वर्तमान में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम देश भर के 2000 से अधिक स्कूलों में संचालित है, जिसमें 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से अधिक बच्चे शामिल हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ये एक गैर सरकारी संस्था है जो प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करती है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग किसके द्वारा विकसित की गई है? इसका सही उत्तर है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR, जिसे आमतौर पर पूसा संस्थान के रूप में जाना जाता है, ने हाल ही में पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग विकसित की है। इस स्वच्छता सुरंग में साबुन और पानी के डिस्पेंसर का उपयोग करके हाथ धोने की व्यवस्था की गई है। इसे पैर से ऑपरेट किया जाता है। सुरंग लगभग 20 मिनट तक फॉगिंग भी प्रदान करती है। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। RBI के द्वारा 17 अप्रैल को रिवर्स रेपो दर को कम करके कितना प्रतिशत कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है 3.75%। पहले यह 4% था, जिसे घटाकर 3.75% कर दिया गया है, जबकि रेपो रेट को 5.15% से 4.4% कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, दुनिया में बड़ी मंदी का अनुमान है, हम सबसे बुरे दौर में हैं। रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंकों को RBI में जमा अपनी रकम पर ब्याज मिलता है। जब RBI इस रेट को घटा देता है तो बैंक अपना पैसा RBI के पास रखने के बजाय कर्ज देना पसंद करते हैं। इससे बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ता है। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 17 अप्रैल। हीमोफीलिया तथा अन्य आनुवांशिक रक्तस्राव वाले विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। इस बार विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम गेट इन्वॉल्व्ड रखी गई है। हीमोफीलिया यह एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है जो बच्चों में उनके माता पिता से पहुंचती है। इस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसको मुख्यतः 3 वर्गों हीमोफीलिया ए तथा हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी में बांटा गया है। हीमोफीलिया ए रक्त के थक्के का कारक 8 यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी से होता है। इसे क्लासिक हीमोफीलिया भी कहते हैं। हीमोफीलिया बी रक्त के थक्के का कारक 9 यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी से होता है। इसे क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया सी रक्त के थक्के का कारक 11 यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11 की कमी से होता है। ए और बी के मुकाबले हीमोफीलिया सी में रक्तस्राव की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन NCBI के अनुसार जहां हीमोफीलिया ए 5,000 में से किसी एक को होने की संभावना होती है, वहीं हीमोफीलिया बी 30,000 में से किसी एक को होने की संभावना होती है। हीमोफीलिया ए से पीड़ित लगभग 80% मरीज होते हैं, जबकि इससे कम मामले हीमोफीलिया बी के आते हैं। शरीर के अंदर के अंग जैसे यकृत, गुर्दा,
मांसपेशियों इत्यादि से खून भी इस रोग में बहने लगता है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही उत्तर है तमास अजान। तमास अजान 1976 से 2000 तक अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ के महासचिव थे और 2000 से 2020 तक IWF के अध्यक्ष पद पर रहे। उन पर डॉक्यूमेंट्री में भ्रष्टाचार और डोपिंग उल्लंघन के आरोप लगे थे। वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष उर्सुला पापंद्रिया हैं। अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ का मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में है तथा इसकी स्थापना सन 1905 ईस्वी में हुई थी। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हांगझोउ में आयोजित होने वाले 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या है? इसका सही उत्तर है फेई फेई। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर 2020 तक किया जाना है जिसमें कुल 22 खेल आयोजित किए जाएंगे। इस बार ताइक्वांडो और पैरा केनोइंग को पहली बार शामिल किया गया है। इस शुभंकर के प्रथम फेई का अर्थ उड़ते हुए पक्षी मानव समाज की समावेशिता और सम्मान का प्रतीक है, जबकि दूसरा फेई अपनी कमजोरी पर काबू पाने के साथ एथलीटों के मानसिक परिश्रम को दर्शाता है। शुभंकर फेई फेई लियांगझू संस्कृति के दैवीय पक्षी से प्रेरित है। एशियाई पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष माजिद रशीद हैं। इसके साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आरवी भुस्कुटे जिनका निधन 15 अप्रैल 2020 को हो गया किस ऐतिहासिक आंदोलन से संबद्ध थे? इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे सत्र में की गई थी। आरबी भुस्कुटे ने भूमि कानून पर कई किताबें लिखी थीं। उन्होंने आदिवासी इलाकों में बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास के लिए निरंतर काम किया था। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर को साइबर अपराधों के लिए संवेदनशील माना है? इसका सही उत्तर है जूम। हाल ही में गृह मंत्रालय के तहत संचालित साइबर समन्वय केंद्र ने जूम एप्लीकेशन से सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। जूम का उपयोग करने के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम का हवाला देते हुए जूम एप्लीकेशन पर चिंता व्यक्त की है। जूम कॉन्फ्रेंस में अनाधिकृत प्रविष्टि को रोकने और अन्य उपयोगकर्ताओं पर दुर्भावनापूर्ण हमले को रोकने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। कोविड 19 के प्रसार की रोकथाम के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने असेस कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए असेस कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का उपयोग ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए किया जाएगा। यह मोबाइल एप्लीकेशन निर्णय लेने की प्रक्रिया को गति देगा क्योंकि यह वास्तविक समय के डेटा का विश्लेषण करता है। एकत्र किए गए डेटा को वास्तविक समय में सर्वर पर अपलोड किया जाता है, फिर डेटा का तुरंत विश्लेषण किया जाता है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ में शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किए गए रोबोट का नाम क्या है जिसे कोविड 19 मरीजों के आइसोलेशन वार्ड में दवाइयां और भोजन देने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका सही उत्तर है वार्ड बॉट। पंजाब स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने वार्ड बॉट नामक एक रोबोट का डिजाइन तैयार किया है जो कोविड 19 रोगियों तक बिना स्वास्थ्य कर्मियों के दवा और भोजन पहुंचा सकता है। वार्ड बॉट स्मार्ट लाइन फॉलोइंग के सिद्धांत पर काम करता है और यह सेंसर का उपयोग करते हुए पूर्व परिभाषित पथ पर आगे बढ़ सकता है।
एक कंट्रोल रूम से संचालित होने के कारण बॉट कुशलता से विभिन्न रोगियों को सामान वितरित कर सकता है और यह स्वचालित रूप से अपने पथ को भी साफ करता है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मैटरहॉर्न पर्वत, जो हाल ही में खबरों में था, किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा यूरोप। मैटरहॉर्न पर्वत 4,448 मीटर यानी कि 14,690 फुट की ऊंचाई के साथ आल्प्स पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध पर्वत है। यह आल्प्स के सर्वोच्च शिखरों में से एक है और यह दो यूरोपीय देशों स्विट्जरलैंड और इटली के बीच फैला हुआ है। इस शिखर को हाल ही में खबरों में देखा गया था, जिसमें एक प्रसिद्ध स्विस प्रकाश कलाकार गैरी हॉफस्टेटर ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में भारत के साथ स्विट्जरलैंड की एकजुटता व्यक्त करने के लिए भारतीय ध्वज को पहाड़ पर प्रकाशित किया था। स्विट्जरलैंड में स्थित भारतीय दूतावास ने कहा, यह कोरोना से लड़ने के लिए भारत की कोशिशों का सम्मान है। ध्यातव्य है कि कोरोना के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए माउंट मैटरहॉर्न पर 24 मार्च से ही हर दिन अलग अलग देशों के झंडे बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस रॉकेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है फॉल्कन 9। 18 अप्रैल 2020 को नासा ने घोषणा की कि वह 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान को लॉन्च करेगा। इस मिशन में फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विस्तारित प्रवास के लिए भेजा जाएगा। इस मिशन को SpaceX कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाना है। यह एलन मस्क की स्पेस कंपनी SpaceX का पहला क्रू लॉन्च है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाले नासा के इस मिशन को कमर्शियल क्रू प्रोग्राम नाम दिया गया है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय खेल महासंघ द्वारा टीम मास्क फोर्स नामक अभियान शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के महत्व पर टीम मास्क फोर्स नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। BCCI ने लोगों से आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का आग्रह किया है। इसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और मिताली राज सहित प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटरों को फीचर करते हुए एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें लोगों को मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में हाल ही में किए गए संशोधन के संदर्भ में किस देश की इकाई को केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश करना होगा? इसका सही उत्तर है भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले सभी देश। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के निकाय अब यहां केवल सरकार की मंजूरी के बाद ही निवेश कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि वे संस्थाएं भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही निवेश कर सकती हैं। इससे पहले यह व्यवस्था केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए थी। DPIIT के आंकड़ों के मुताबिक भारत को दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 के दौरान चीन से $2.34 अरब यानी कि 14,846 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। इसी अवधि में भारत को बांग्लादेश से 48 लाख रुपए, नेपाल से 18.18 करोड़ रुपए, म्यांमार से 35.78 करोड़ रुपए तथा अफगानिस्तान से 16.42 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ, जबकि पाकिस्तान और भूटान से कोई निवेश प्राप्त नहीं हुआ। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय ICH सूची, जो हाल ही में सुर्खियों में रही, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? इसका सही उत्तर है
संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने 18 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की राष्ट्रीय सूची जारी की। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा कि भारत में विलक्षण अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं का खजाना विद्यमान है, जिनमें से 13 को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसका लक्ष्य भारत के विविध राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना और उनका संरक्षण सुनिश्चित करना है। यह पहल संस्कृति मंत्रालय के विजन 2024 का ही एक भाग है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक कोरोना महामारी की वजह से इतिहास में पहली बार किस क्रूड ऑयल की कीमत शून्य से नीचे चली गई? इसका सही उत्तर है WTI क्रूड ऑयल। WTI अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड है। इसका फुल फॉर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है। 20 अप्रैल को बाजार खुलने पर यह $18 से घटकर -$38 प्रति बैरल तक चला गया। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव जारी है, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट करीब $25 प्रति बैरल और ओपेक बास्केट क्रूड ऑयल की कीमत $17 से $18 के आसपास बनी हुई है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। COVID-19 और लॉकडाउन की स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए केंद्र सरकार ने किस अधिनियम के तहत 6 अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है? इसका सही उत्तर है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इस कानून की धारा 35 को लागू करके अंतर मंत्रालयी टीम का गठन किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार को अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों का गठन करने और राज्यों में तत्काल आकलन करने के लिए टीमों को भेजने का अधिकार मिला है। COVID-19 से जुड़े मामलों में ये टीमें हालात में सुधार के लिए राज्य प्राधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं और अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप सकती हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व एकृत दिवस वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 19 अप्रैल। लीवर शरीर से हानिकारक और विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह विटामिन एवं वसा जैसे अन्य पोषक तत्वों को पचाने में मदद करता है। खाने को पचाने के लिए पित्त और एंजाइम का उत्पादन भी लीवर ही करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है वी कृष्णा स्वामी। वी कृष्णा स्वामी इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस किताब में बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के शुरुआती जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में बताया गया है। PV सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी होने के साथ साथ फोर्ब्स की विश्व की शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रुद्र तेज सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस कंपनी के CEO थे? इसका सही उत्तर है BMW इंडिया। वह 46 वर्ष के थे और हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ। जर्मनी की कंपनी BMW ने सिंह को 1 अगस्त 2019 को भारत में अपना CEO नियुक्त किया था। BMW इंडिया के प्रमुख के पद पर नियुक्त होने वाले वह पहले भारतीय थे। BMW में आने से पहले वह रॉयल एनफील्ड समूह के अध्यक्ष थे। इससे पहले उन्होंने FMCG कंपनी यूनिलीवर के लिए भारत में विभिन्न पदों पर 16 वर्षों तक काम किया था। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सुबनसिरी नदी पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पुल का उद्घाटन किया गया। यह भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश।
20 अप्रैल 2020 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सुबनसिरी नदी पर एक पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा किया गया है। भारत चीन सीमा तक जाने वाली संपर्क सड़कों के लिए इस पुल का बहुत महत्व है। इसका निर्माण एक महीने से भी कम रिकॉर्ड समय में किया गया है। यह पुल 40 टन वजन उठाने में सक्षम है। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेडकॉर्ड्स के साथ सहयोग किया है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेडकॉर्ड्स के साथ साझेदारी की है। श्रेयांश मेहता, निखिल बाहेती और सईदा धनवत द्वारा 2017 में शुरू किए गए मेडकॉर्ड्स का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के बीच असमानता को खत्म करना है। इस स्टार्टअप की स्थापना राजस्थान के लोगों को आयु व सेहत साथी एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श और दवाओं की डिलीवरी प्रदान करने के लिए की गई है। इस सेवा के तहत राज्य के 7 जिलों को शामिल किया गया है और बाद में इसके द्वारा पूरे राज्य को कवर करने की योजना है। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है गोवा। 21 अप्रैल 2020 को गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कोविड-19 से पूर्णतः मुक्त हुआ। गोवा के बाद मणिपुर कोविड-19 से मुक्त होने वाला दूसरा राज्य है। आरंभ में गोवा में कोविड-19 के कुल 7 सकारात्मक मामले थे। 3 अप्रैल 2020 के बाद से राज्य में एक भी कोविड-19 का मामला दर्ज नहीं हुआ है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है कपिल देव त्रिपाठी। 20 अप्रैल 2020 को पूर्व IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी। कपिल देव त्रिपाठी 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे संजय कोठारी का स्थान लेंगे। संजय कोठारी को फरवरी में मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री त्रिपाठी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। इसके साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान के एक अध्ययन में ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों में उत्प्रेरक विकसित करने के लिए किस जलीय जीव की प्रजाति का उपयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है मछली। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कुशल इलेक्ट्रो उत्प्रेरक विकसित करने के लिए मछली के गलफड़े का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार विकसित उपकरणों के अधिक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल होने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर हमले को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से किस कानून में बदलाव को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है महामारी रोग अधिनियम 1897, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। इस अध्यादेश का नाम महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020, द एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 है। हमला करने पर दोषी को 7 साल तक की जेल और 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इससे डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स, आशा कार्यकर्ताओं इत्यादि को फायदा होगा जो अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना से लड़ने में सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह का अपराध संज्ञेय नॉन बेलेबल अर्थात गैर जमानती होगा, यानी बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। बिना अदालत की मंजूरी के जांच शुरू हो सकती है।
जांच अधिकारी को 30 दिन के भीतर जांच पूरी करनी होगी। एक साल में अदालत को फैसला देना होगा। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स पर हमले के दोषी पाए गए तो 3 महीने से 5 साल तक की सजा होगी। 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर हमले में डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स को गंभीर चोटें आई है तो 6 महीने से 7 साल तक की सजा और 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी के साथ निवेश की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है फेसबुक। फेसबुक ने जियो का 9.9% हिस्सा खरीदने का ऐलान किया है। यह डील $5.7 बिलियन यानी कि 43,574 करोड़ रुपए में हुई है। यह भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने 22 अप्रैल को जियो के साथ डील की घोषणा की। नियामक की मंजूरी मिलने के बाद फेसबुक जियो में सबसे बड़ी माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएगी। जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस डील के दौरान जियो की टोटल वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपए तय हुई। इसी आधार पर 9.99% की हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीद ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने कहा कि फेसबुक और जियो का तालमेल डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पाने में मदद करेगा। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जल संरक्षण योजना है? इसका सही उत्तर है गुजरात। 21 अप्रैल 2020 को गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के बीच सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की। यह योजना 10 जून तक जारी रहेगी। इस योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत गुजरात सरकार ने मानसून से पहले झीलों, नदियों तथा चेक बांधों को गहरा करने की योजना बनाई है। इसके तहत मनरेगा के माध्यम से लोगों की भागीदारी के द्वारा जमे हुए सिल्ट को भी हटा दिया जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी दिवस 2020 का थीम क्या है? इसका सही उत्तर है जलवायु कार्रवाई यानी कि क्लाइमेट एक्शन। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस अर्थ डे मनाया जाता है। इस वर्ष 22 अप्रैल 2020 को पृथ्वी दिवस के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 1970 में अमेरिकी सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पृथ्वी दिवस की शुरुआत की थी, जिसके बाद में विश्व में पृथ्वी दिवस मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अमेरिकी सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन को विश्व में पृथ्वी दिवस के जनक के रूप में जाना जाता है। पहले पृथ्वी दिवस को आधुनिक पर्यावरण आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है और अब इसे विश्व भर में जन जागरूकता आंदोलन के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें 192 देशों के अरबों नागरिक पृथ्वी के संरक्षण का संकल्प लेते हैं। इस दिन उत्तरी ध्रुव में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु होती है। इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण ही वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर के लिए पृथ्वी दिवस यानी कि 22 अप्रैल 2016 के दिन को ही चुना गया था। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका सही उत्तर है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन, विशेष रूप से खराब होने वाली उपज के लिए को कम करने के लिए किसान रथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इस मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा विकसित किया गया है, जो किसानों एवं व्यापारियों को उनकी उपज को स्थानांतरित करने के लिए वाहनों को खोजने में मदद करेगा। इस नेटवर्क में प्राथमिक एवं द्वितीयक परिवहन दोनों को शामिल किया गया है।
प्राथमिक परिवहन में वह वाहन शामिल किए गए हैं जो कृषि उपज को खेत से मंडियों, स्थानीय गोदामों या किसान उत्पादक संगठनों के संग्रह केंद्रों तक लेकर जाते हैं, जबकि द्वितीयक परिवहन में वह वाहन शामिल किए गए हैं जो कृषि उत्पादों को स्थानीय मंडियों से लेकर राज्य स्तरीय मंडियों, राज्य के बाहर की मंडियों, प्रसंस्करण इकाइयों, रेलवे स्टेशनों, गोदामों या थोक विक्रेताओं तक लेकर जाते हैं। किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों एवं व्यापारियों को 5 लाख से अधिक ट्रकों और 20,000 ट्रैक्टरों के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इन वाहनों में प्रशीतित वाहन भी उपलब्ध होंगे। इसके साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ अपनी लड़ाई में लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आप्त मित्र मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन शुरू की है। इस एप्लीकेशन को राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कोविड-19 पर चिकित्सकीय मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना है। यदि किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण दिख रहे हैं तो वह आप्त मित्र के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है। उसे लक्षणों के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा सलाह दी जाएगी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इजराइल ने अपने देश के पहले पूर्ण डिजिटल बैंक के निर्माण के लिए किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी का चयन किया है? इसका सही उत्तर है TCS। इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को चुना है। इसका इस्तेमाल डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाएगा। यह TCS के बैंक्स ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म से लैस होगा। डिजिटल बैंक की शुरुआत 2021 में होगी। इस डिजिटल बैंक की कोई भौतिक शाखा नहीं होगी। यह ऑनलाइन ही इजरायली नागरिकों को बैंक के सभी कामों में मदद करेगा। इस नए बैंक के चेयरमैन शौकी ओरेन ने कहा, हमने TCS के बैंकिंग सेवा ब्यूरो को अपनाकर इजरायली वित्तीय सेवा उद्योग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इससे आम नागरिकों के लिए बैंकिंग की लागत में कमी आएगी और नई सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। TCS बैंक्स एक कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर सुइट है जिसे TCS ने रिटेल बैंक्स के लिए तैयार किया है। यह यूनिवर्सल बैंकिंग, कोर बैंकिंग, पेमेंट्स, वेल्थ मैनेजमेंट, फॉरेक्स, मनी मार्केट्स, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी प्रोसेसिंग, वित्तीय समावेशन आदि में काम आता है। अमेरिका सहित कई देश TCS के इस सॉफ्टवेयर सुइट का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 10 सितंबर 1991 को जी वेंकट स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक को 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित किया गया, जबकि राज्यसभा में इस बिल को 23 दिसंबर 1992 को पारित किया गया। 17 राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किए जाने के बाद 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इस प्रकार 24 अप्रैल भारत के पंचायती राज के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया एवं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है। सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को प्रथम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। उनके पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी है।
इस बार 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में अनुसूचित जनजाति एसटी के शिक्षकों को 100% आरक्षण प्रदान करने से संबंधित आदेश को रद्द कर दिया गया? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने आंध्र प्रदेश के उपरोक्त पहले के आदेश को खारिज कर दिया। इस अध्यादेश के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में एसटी शिक्षकों को 100% आरक्षण प्रदान किया गया था। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के आईएम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु। विश्व चैंपियन पीवी सिंधु सहित 8 खिलाड़ियों को विश्व बैडमिंटन महासंघ बीडब्ल्यूएफ के आईएम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। पीवी सिंधु के अलावा कनाडा के मिशेल ली, चीन के झेंगसी वेई और हुआंग या कियोंग, इंग्लैंड के जैक शेपर्ड, जर्मनी के वालेस्का नोबलाच, हांगकांग के चान हुई यूएन और जर्मनी के मार्क ज्वेलबर शामिल हैं। विश्व बैडमिंटन महासंघ की स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। इसका मुख्यालय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष पॉल एरिक हायर लॉर्सन हैं और इसके कुल सदस्य संघों की संख्या वर्तमान में 194 है। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही करंट अफेयर्स एवं अन्य विषयों से संबंधित आगामी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।